स्टार्ट हो गई तो बता तो देती बेटा। हाँ हो गई। दोस्तों अभी मैं ऑफिस से आया हूँ और पता लगा कि हमारे यहाँ पे 4-5 दिन पहले जो चोरी हुई थी उसका अभी तक कुछ भी कोई मतलब अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। दरअसल हमारे यहाँ नेबर है ऊपर वाले फ्लोर पे, उनके बेटे की बाइसाइकिल चोरी हुई है और आज 4th दिन है, अभी तक वो वापसी नहीं मिली है। दरअसल वो सारा रिकॉर्डिंग अपने पास CCTV कैमरे के थ्रू है, वो अवेलेबल है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूँगा। और देखिएगा किस तरह की लापरवाही हुई, किसी उस लड़के ने एक जो नीचे जो इलेक्ट्रिक बेल है उसको प्रेस किया, किसी ने बिना उससे पूछे बिना समझे गेट ओपन किया, वो आराम से पूरी पार्किंग में घूमा देखा और उसने साइकिल का लॉक तोड़ के साइकिल लेके चला गया। उससे पहले वो गली में राउंड मार के उसने बिल्डिंग उसने झांक झांक के देखा पूरी पार्किंग में, और उसने बहुत ट्राई किया, पेचकस भी डाला लॉक के अंदर लेकिन वो खुला नहीं। अब यहाँ बेवकूफ़ी बिल्डिंग में ही किसी से हो गई कि उसने जो इलेक्ट्रिक बेल प्रेस करी और किसी ने गेट खोल दिया बिना सोचे समझे, बिना उससे कोई इंक्वायरी करे, वो आराम से अंदर घुसा, पूरी पार्किंग को देखा, उसके बाद उसने साइकिल उठाई और वो बाहर निकला। और ये वीडियो डालने का ऑब्जेक्टिव यही है कि अपना अलर्ट रहें, सतर्क रहें। तुम भी कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं नहीं, एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा रिस्की हो गया है चीज़ों को देखना समझना ना कि कैसे सेफ्टी कैसे है हम लोग की, क्योंकि विद इन फोर फाइव ईयर्स दिस इज़ द 3rd टाइम जब हमारी इस बिल्डिंग में चोरी हुई है। सबसे पहले मेरा मोबाइल ही चोरी हुआ था घर से, और फिर एक और नेबर है उनकी गाड़ी की बैटरी और स्कूटी भी चली गई थी एक साथ, एक ही बारी में एक ही टाइम पे जो चोरी हुई, एक साथ उनका बैटरी भी निकली और बाइक भी उसी बैटरी मतलब बैटरी जो है उसी बाइक पे रख के गया है वो। और उस टाइम पर देहरादून में थे, हाँ हमें वहीं पर कॉल आई कि आप, हम उसी दिन रात को फिर वापसी भी आए सेम डे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारा जो 3-4 दिन का प्रोग्राम था हमने 2 दिन में ही खत्म कर दिया। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला तू जाके चेक कर, तो हमारी गाड़ी, फिर उसने बताया कि होपफुली हमारी गाड़ी सेफ थी, हमने आकर चेक किया हमारी गाड़ी सेफ थी, बट स्टिल रिस्की तो है, सेफ्टी क्या है कैसी है नहीं पता। और अभी भी जो इनकी साइकिल चोरी हुई है उसका भी कुछ नहीं आइडिया लग पा रहा कि क्या मतलब मिलेगी भी कि नहीं, देखो होपफुली वी कैन होप फॉर द बेस्ट। तो दोस्तों अलर्ट रहें, अपनी चीज़ों को अपने आप संभालें, ज़्यादा अच्छा है भरोसे पे ना रहें किसी भी सिक्योरिटी का या कि क्या है, क्योंकि लापरवाहियाँ होती हैं पता नहीं चलता और ये इग्नोरेंस है जिस वजह से ये गड़बड़ होती है, ये बढ़ भी ज़्यादा गई है ना, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो गई है, दाएं बाएं मतलब 3-4 गलियां छोड़ के आपको एक्स्ट्रा अलर्टनेस और सेफ्टी की जरूरत है।